अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिला में आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 41 की एक्सपोजिशन करेंगे। इस आयत को शुरू करने से पहले अगर आपने पीछे साबका आयत के वीडियोस नहीं देखे जो मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी जो उनको जो बशारतें दी गईं ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक यानी उनके बेटे के मुतल्लिक, तो वो आप पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको यहाँ पर हम वो रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए कि ये आयत बड़ी तवील है तो हम इसमें कोई पीछे वाला कोई जो बैकग्राउंड है वहाँ पर नहीं जाएंगे, वो आप वीडियो आपको ख़ुद देखने होंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इस आयत को शुरू से ही आप ये हकीकत अपने जेन में बिठा लें कि इसके अंदर आलमोस्ट जो बयान है वो तमसीली बयान है। ये आयत तमसीली अंदाज में बयान की गई है इसलिए कि पुराने दौर के अंदर तमसीली अंदाज में ज़्यादातर बात की जाती थी। आज 21वीं सदी में जबकि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इसके बावजूद अभी तक हम तमसीली अंदाज में बात करते हैं। मैं अब तक तमसीली अंदाज की वजाहत यहाँ पर ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ये पिछले वीडियोस में कई दफ़ा हम कर चुके हैं कि तमसीली अंदाज क्या होता है। ये एलागोरिकली सिंबॉलिकली आप ये समझ लें ये अंदाज होता है। तो इस आयत के अंदर ये अंदाज है तो हम लफ्जी माने वो भी आपके सामने रख देंगे और इसके जो सिंबॉलिकल मीनिंग्स हैं वो भी आपके सामने रख देंगे। अब आपने फ़ैसला करना है आप किसको इख्तियार करते हैं। अगर आप लफ्जी माने लेंगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये लफ्जी माने, पहले लफ्जी माने किए जाएंगे आयात के। आपको पता है कि हम छोटे छोटे जुज करके एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम जब भी बात करेंगे पहले लफ्जी तर्जुमा, इसकी लफ्जी जो लिटरेरी मीनिंग्स हैं वो बयान करेंगे और उसके बाद फिर जो इसके जो सिंबॉलिकल मीनिंग्स हैं वो बयान करेंगे। तो शुरू करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बात हो रही है और ये जेन में रख लेंगे कि ये मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत दी जा रही है। अभी मरियम अलैहिस्सलाम मेहराब में है, हैकल में है और उनको वहाँ बशारत दी जा रही है। अभी उनकी शादी नहीं हुई, अभी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए। ये चीज़ें अगर आपने ना समझी तो आयत समझ नहीं आएगी। ये फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे कि ये बशारत दी जा रही है, अभी तक ये बशारत चल रही है। अभी तक ना मरियम अलैहिस्सलाम हैकल से बाहर आई हैं, ना उनकी शादी हुई है, तो ना अभी वो बचा हुआ है। अभी बशारत चल रही है और कहाँ पर हैं अभी वो, हैकल में, मेहराब में हैं। अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 49। तो मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की बशारत देते हुए कुरान कह रहा है उनके मुतल्लिक, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक यानी उनके बेटे के मुतल्लिक कि वरसूलन इला बनी इसराइला, और ए मरियम अल्लाह तेरे बेटे ईसा को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेगा। बशारत की बात हो रही है, ये बशारत में कहा जा रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद अन्नी कज्जीतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, और वो उस मुर्दा कौम से कहेगा, वो उस कौम से कहेगा यानी मुर्दा कौम से कहेगा यकीनन मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास ये आयत लेकर आया हूं। यहां पर आयत है, इसको हम वो उर्दू में बोलते आया, तो आयत लेकर आया हूँ। यहाँ पर आयत से क्या मुराद है, ज़िंदगी साज ज़ाब्ता हयात की निशानी। आयत के लफ्जी मानी निशानी होती है और हर निशान हर आयत अल्लाह का कानून होता है। ये चीज़ हमने पीछे भी वजाहत की थी, यहाँ पर भी कर रहे हैं कि आयत के लफ्जी मानी निशानी होता है और हर आयत में अल्लाह का कानून बयान किया होता है, तो हर आयत उसके कानून की निशानी होती है कि अगर इसको नाफिज करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसकी वायलेशन करोगे तो तुम निशानी इबरत बन जाओगे इसी दुनिया में। तो ये निशानी है और ये किस चीज़ की निशानी है, ज़िंदगी साज़ ज़ाब्ता हयात की निशानी।
और आगे अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहई अति तैरी। अब हम इसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, फिर इसका वो तमसीली अंदाज में जो इसके माने हो सकते हैं वो ये कि बिला शुबा मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदा की शक्ल की मानिंद बनाता हूँ। ये तीन मट्टी को कहते हैं कहई अतन मानिंद मिसाल अतर परिंदा, परिंदे की मानिंद, ये हियत बोलते हैं ना आप हियत, ये वो है कहई अतन यानी मानिंद मिसाल शक्ल वो किसकी परिंदा की, तो वो बनाता हूँ। अब इसके तमसीली माने क्या होंगे, मुहावरे के लिहाज से इसके माने क्या होंगे, यानी मैं अल्लाह के कानून के तहत तुम्हारे लिए ऐसा निज़ाम बनाऊंगा जिस पर अमल करके तुम गफलत से बेदार होकर मुर्दा कौम से जिंदा कौम बनने के काबिल हो जाओगे। ये चीज़ कही जा रही है इस आयत के अंदर और आगे कह रहा है कि फन फुहु फी ही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के कानून की रूह से परिंदा हो जाता है यानी वो उड़ने वाला हो जाता है, यूँ कह ले परिंदा उड़ने वाली जानवर तो वो परिंदा हो जाता है। अब इसका जो तमसीली जो बामुहावरा माना है वो क्या है, मैं अल्लाह के ज़ाब्तों की रूह से तुम में ऐसी तामीरी सोच पैदा कर दूंगा, तुम में ऐसी रूह फूंक दूंगा कि तुम पस्ती से निकलकर तरक्की की बुलंदियों की तरफ परवाज़ करने लग जाओगे। हम बोलते हैं जिंदा कौम मुर्दा कौम, जैसे हम कहते हैं कि हम मुर्दा कौम बन चुके हैं, तो जो कौम जिस कौम की सियासी मुआशी ये समाजी हालत तबाह हो चुकी हो तो हम उसको मुर्दा कौम बोलते हैं। तो ये हालत हो चुकी थी उस वक्त बनी इसराइल की, तो ये चीज़ कही जा रही है कि मैं ये जो तुम्हारी हालत हो गई है कि तुमने अपने आप को पस्तियों में मुब्तला कर रखा है, तुम पस्तियों में गिर चुके हो, अब मैं अल्लाह के कानून की रूह से तुम्हारे अंदर ऐसी एक नई रूह फूंक दूंगा, ऐसा तुम्हारे लिए एक निज़ाम कायम कर दूंगा अल्लाह के कवानीन के तहत कि तुम मुर्दा कौम से ज़िंदा कौम बनने के काबिल हो जाओगे, तुम्हारी जो पस्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और तुम बुलंदियों पर चले जाओगे। वो कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स तो बड़ा पस्त हो गया है, बहुत जवाल का शिकार हो गया, बहुत नीचे चला गया है, फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ कौम जो है वो बहुत बुलंद हो चली गई है, बड़ी बुलंदियों को छूने लग गई है। ये हम बोलते हैं, परिंदा भी बुलंदियों को छू रहा होता है जब ऊपर उड़ता है, उसकी परवाज़ होती है, ऊँचा जाता है, ऐसे कौमों की भी परवाज़ होती है जो कौमें कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिनकी अखलाकियात तबाह हो चुकी होती है वो कौमें तबाह हो जाती हैं, जिनके यहाँ इंसाफ नहीं होता, अदल नहीं होता, अखलाकी अकदार उनकी मिट जाती हैं, तो वो कौमें पस्ती का शिकार हो जाती हैं, ज़मीन के साथ लग जाती हैं, ऊपर नहीं उठ सकती, उभर नहीं सकती। तो ये कौमों की हयात और मौत की बात हो रही है, ये फिजिकल क्लिनिकल डेथ की बात नहीं कर रहा कुरान करीम, कौमों की ज़िंदगी कौमों की मौत उसकी बात कर रहा है, कौमों का जवाल कौमों का उरूज ये उसकी बात हो रही है। बनी इसराइल उस वक़्त जवाल पजीर हो चुकी थी, अल्लाह के ज़ाब्तों को उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, अल्लाह के कवानीन की वायलेशन करके उसने अपनी हालत को तबाह कर लिया था, वो जवाल पजीर हो चुकी थी, पस्तियों में गिर चुकी थी। अब उस कौम की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को भेजकर तो ये उनको बताया जा रहा है कि वो ये कहेगा अपनी कौम से कि तुम आओ मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हें पस्तियों से उभार कर निकाल कर तुम्हें मैं बुलंदियों की तरफ ले जाऊंगा, तुम्हारी मईशत बेहतर कर दूंगा, तुम्हारी अखलाकी हालत को संवार दूंगा, तुम जो इतनी जिल्लत और मुसीबत में घिर चुके हो वो चीज़ें तुम्हारी मैं ख़त्म कर दूंगा। किसकी रूह से, अल्लाह के कवानीन की रूह से, उन कवानीन की रूह से एक निज़ाम बनाकर मैं तुम्हें खुशहाली की तरफ ले जाऊँगा।
मैं तुम्हें पस्तियों से बुलंदियों की तरफ ले जाऊंगा, जैसे एक परिंदा पस्ती से बुलंदियों की तरफ प्रवास करता है, ऐसे तुम बुलंदियों को छूने लग जाओगे। जब तुम्हारी अखलाकी हालत बेहतर होगी अल्लाह के कवानीन की रूह से, जब अल्लाह के कवानीन की रूह से निज़ाम कायम करके तुम्हारी मईशत बेहतर होगी, तो फिर क्या होगा कि तुम पस्तियों से निकल कर बुलंदियों को छूने लग जाओगे। ये चीज़ कही जा रही है इस आयत के अंदर, लेकिन अंदाज तमसीली है। आज भी हम तमसीली अंदाज बोलते हैं कुरान करीम में, तो ये तो कदीम कलाम है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा तमसीली अंदाज में बात की जाती थी। और आगे वउब्रियुल अकमहा वल अबरसा, और मैं अंधे और कोड़े को अच्छा कर देता हूँ, अंधे और कोड़े को अच्छा कर देता हूँ। यहाँ अंधा कौन है? जो अकल का अंधा हो, जो जाहिल हो। आप रोड पर जा रहे हो, कोई शख्स आपसे टकरा जाए तो आप कहते हैं अंधे हो, नज़र नहीं आता, हालांकि उसकी आंखें होती हैं, वो देख रहा होता है, लेकिन वो गफलत में होता है, वो कहीं और पहुंचा होता है, ज़हनी तौर पर टकरा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है, और वो एक्सीडेंट हो जाता है, और आप कहते हैं कि अंधे हो गए हो। तो ये चीज़ है, अकल के अंधे हम बोलते हैं, जाहिलों को हम अंधा बोलते हैं। ये मुहावरे हैं ज़बान के, ये तमसीली अंदाज है कुरान करीम का। तो वो जहालत में मुबतला हो चुके थे, गफलत में मुबतला हो चुके थे, उनको कुरान करीम अंधा बोल रहा है, उस कौम को, बनी इसराइल की कौम को। और आगे फिर उनको कोड़ा बोल रहा है, बनी इसराइल को बोल रहा है कि मैं कोड़े को सही करता हूँ, यानी कोड़ी कौम को। ये देखिए हम बोलते हैं कोड़ मगज, हम बोलते हैं, आम बोलते हैं। तो यानी वो शख्स जो इंतहाई कोड़ मगज हो, कोड़ दिमाग हो, ये हम बोलते हैं। यहाँ पर बनी इसराइल को कोड़ मगज कहा जा रहा है कि उनके जहनों में कोई अच्छी बात ही नहीं आती, कोड़ लग चुका था उनके जहनों में, उनकी सोच जुल्म पर मबनी थी, उनकी सोच बुरी हो चुकी थी, पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव हो चुकी थी सोच। तो नेगेटिव सोच की वजह से कोई उनको अपने करीब नहीं आने देता था, इनको कोई यूं कह ले मुंह नहीं लगाता था। ये हालत हो जाती है, कोई भी शख्स अगर इसी तरह का हो, अकल का भी अंधा हो और कोड़ मगज हो, उसकी सोचने समझने की वो सलाहियतों से काम ही ना ले, उसके जेन के ऊपर कोड़ छा जाए, उसकी सोच, उसके एटीट्यूड इतना गंदा हो कि कोई उसको मुंह ना लगाए, अपने पास भी ना आने दे, तो ये अल्फाज आज भी आप उनके लिए बोलते हैं। तो कुरान करीम के अंदर वही आ रहा है। तो अब इसका जो तमसीली तौर पर इसके जो मुहावरे के लिहाज से जो मीनिंग है वो क्या है? व उब्रियुल अकमहा वल अबरसा, मैं वही की तालीम से अंधे जाहिल और कोड़े कमीनी खसलत वाले को ठीक करके उसे सही रास्ता को देखने, सही रास्ता पर चलने और बसीरत से काम लेने के काबिल बना दूंगा। किसकी रूह से? वही की तालीम की रूह से, अल्लाह के कानून की रूह से। बिज़निल्लाह होता है अल्लाह का कानून, उसका इज़्न क्या होता है? कानून। तो कहता उससे मैं ये कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। और आगे कहा जा रहा है कि वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह की कानून की रूह से मुर्दा कौम को ज़िंदा करता हूँ, मुर्दा कौम को ज़िंदा करता हूँ। यहाँ से मुर्दा कौम मुराद है। ये कुरान करीम का सियाक व सबाक बता रहा है कि ये क्लिनिकली डेथ की बात नहीं हो रही किसी शख्स की, ये कौमों के ज़िंदगी और कौमों की मौत, कौमों की हयात और मौत की बात हो रही है। क्लिनिकल डेथ की, फिज़िकल वो जो होती है ना, जिस तरह से मौत वाक़ हो जाती है, ये उसकी बात नहीं हो रही। वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह की कानून की रूह से मुर्दा कौम को ज़िंदा कर देता हूँ। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फ़ी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ उस चीज़ की जो तुम खाते हो
और उस चीज़ की भी जिसे तुम अपने घरों में ज़खीरा करके आते हो। अब ये देखे कुरान करीम यहाँ पर सरमायादारी के निज़ाम को ज़र्ब लगा रहा है, ज़खीरा अंदोजी, ज़खीरा करके आते हो। तो उस दौर में भी वो ज़खीरा करते थे, वो अपने लेवल के ऊपर जितना उनके पास माल होता था वो उनको एक जगह पर ज़खीरा कर देते थे, फिर महंगा बेचते थे। इस वजह से भी वो कौम तबाह हुई, ये कुरान की आयत बता रही है। तो ये तो उसके लफ्जी मीनिंग की हुए ना। अब इसके हम वो मुहावरे के लिहाज से हम बताएंगे आपको, जो तमशीली अंदाज है कि मैं अल्लाह के कवानीन के तहत कायम करदा निज़ाम की रूह से तुम पर निगरानी करूँगा कि खाने पीने की चीज़ों में से तुम कितना खाते पीते हो और कितना तुम उनकी ज़खीरांदोजी करते हो। ये मैं इसको मॉनिटर करूँगा, इसको वॉच करूँगा, क्योंकि मैं उस निज़ाम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा, इसलिए ये चीज़ें मैं करूँगा और मैं फिर ज़खीरांदोजी नहीं होने दूँगा, ताकि रिज़्क की चीज़ें सबको मिले, बर वक्त मिले, ज़रूरत के मुताबिक मिले। तो ये मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा, ये चीज़ कुरान करीम कह रहा है। और आगे इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतल लकुम, बिला शुबा इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, लआयतल लकुम इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अल्लाह के इस कानून व निज़ाम में तुम्हारे लिए तबाही से बचने और फिर नई और बेहतर ज़िंदगी पाने की अजीम निशानी है। पहले हमने इसका तर्जमा लिटरेरी किया कि बिला शुबा इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अब कोई बात समझ नहीं आ रही। अब हम इसको तमशीली अंदाज में जो इसका बनता है, इसके सियाक व सबाक के रूप से, वो क्या है कि अल्लाह के कानून व निज़ाम में तुम्हारे लिए तबाही से बचने और फिर नई और बेहतर ज़िंदगी पाने की अजीम निशानी है। ये शायद का माना तमशीली अंदाज में बनेगा। और आगे कह रहा है इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो, यानी अगर तुम अल्लाह के कानून व निज़ाम की सदाकत पर यकीन रखने वाले हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह के कानून व निज़ाम में तुम्हारे लिए तबाही से बचने और फिर नई ज़िंदगी पाने की अजीम निशानी है, ये चीज़ तुम देख लोगे अगर तुम अल्लाह के कवानीन की सदाकत पर यकीन रखने वाले हो, तो फिर तुम ये चीज़ देख लोगे, ये निशानी देख लोगे। मैंने बताया कि निशानी क्या होती है, कि जब उस कानून को नाफिज कर दिया जाए और उसके ऊपर जब मुआशरा अमल करने लग जाए, तो वो अमल करने वाली कौम क्या होगी, वो एक अजीम निशानी पाएगी। वो क्या कि वो तबाहकुन जो चीज़ें होंगी, उनके जो तबाहकुन अंजाम होंगे, वो उनसे बच जाएगी। जब ज़ाहिर तबाही से बचेगी तो वो फिर फलाह की तरफ जाएगी, वो फिर प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ें इस आयत के अंदर कही जा रही हैं, बड़ी अहम आयत है। और इसी को लेके फिर उन्होंने वो मिरेकल्स बनाए, करिश्माती चीज़ें बनाईं, तो उनकी रूह से फिर वो तफसीरों में आईं, रिवायात की रूह से, और उनके ऊपर फिर वो सारे इन्होंने अपने अकायद की बुनियाद रखी हुई है, जो कुरान करीम के कवानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़। तो कुरान का असूल सुम्मा तत्तफक्कर हो, इसकी रूह से आप ख़ुद भी सोचा करें, समझा करें, गौर व फिक्र किया करें। शुक्रिया।